हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे ही और मौसम जो है बारिश का हो रहा था, अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है और धूप आएगी ये हम अभी बोल नहीं सकते, पता नहीं आ भी सकती है नहीं भी, क्योंकि मौसम जो है अभी भी ख़राब ही है। कल से बहुत बारिश हो रही थी और सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है करके। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ताई जा रही है अपने घर को अपन घर लाए जैसे किले यार रुकनी आज गरज नहीं मैंने डामा जाओ ना जब ये गांव गए उठे मेरी स्कूल की छुट्टी पड़ी है घर आए हो। अच्छा ताई जो है चली गई है और मम्मी गई है उसे छोड़ने के लिए, और यह है मेरी बड़ी दीदी, सबसे बड़ी यही है। हम लोग 5 भाई बहने हैं जिसमें से 3 बहने ही, सबसे बड़ी दीदी ये है और सबसे छोटी ये है। अब मम्मी आ चुकी है घर ताई को छोड़ के, अब मम्मी से लेके चलती हूँ अपनी मम्मी के पास, पूछते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है। अच्छा नग न माननी नाम नहीं माननी यार खेला न माननी नग लगा न मानी ना भाई बहनी बिचारी। अच्छा नग लग रो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मम्मी ने बताया कि अभी ताई गई तो मम्मी को बुरा लगा। बहनें हैं, सबको लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा जब बहनें कहीं जाती हैं अपने ससुराल को, तो मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब धोने हैं बर्तन, बर्तन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिखाती हूँ आप लोगों को, उसके बाद मिलती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और पूरा धो रही है बर्तन, और मैं जाती हूँ अब अपनी भैंस को पानी देने के लिए। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चावल बना दिया है, चावल बनाया है मैंने चूल्हे में यानी अगेठी में। अगेठी में जो है यहाँ पे अगेठी में काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है, इसमें धुआं जो है वो बाहर नहीं आता है, इससे ऊपर सीधे छत में जाता है। धुआं जो है ऐसे तरीके से बना हुआ है और इसमें जो काला काला लगता है वो ओनली अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं आता है। काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, इसमें धुआँ बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। और मैंने चावल के साथ शेरी, हाय शेरी, हाय हाय।